ट्रिप तो कंफर्म है जो मेरा पीछे प्लान। सो दोस्तों बहुत ही आगे पहुंच गया और यहाँ पे मैंने रख दिया गाड़ी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों अभी भी मैं घर में हूँ, तो गाड़ी तो मैंने निकाल के रख दिया था। ये देखिए गाड़ी यहाँ पे है गेट के सामने। अभी खाना वाना खा के निकला होगा दोस्तों घर से, क्योंकि जल्दी जाके तो फ़ायदा होता ही नहीं है कभी भी, इसी वजह से दोस्तों अभी निकल रहा हूँ। इसी वजह से यही जो रीज़न है मैं देरी से निकल रहा हूँ। देखिए सुबह से मैं घर में था, एक भी कॉल नहीं आया दोस्तों। तो क्या काम करो और क्या करो। अभी ऊपर से देखिए बारिश हो रहा था, पहले भी बारिश हो रहा था, अभी फिर से बारिश आ गई। देखिए काम कैसा मिलेगा काम दोस्तों, ऐसा ही होता है हर वक्त। तब भी काम तो है, जाना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों निकलते हैं, जाते हैं पीबी जीएस रोड, जाके बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा टाइम, देखते हैं क्या होता है आज मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट जाते हैं अभी पीबी, पीबी जाके बात करते हैं। सो दोस्तों फाइनली पहुँच गया जीएस रोड स्टैंड पे ही हुआ अभी फिलहाल। टाइम हो रहा है दोस्तों 2, अभी करते हुए दोस्तों देखते हैं कब तक मिलता है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक गाड़ी हिलेगा नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए दोस्तों कब तक मिलते हैं, कोई काम वेट करते हैं, मिलते हैं कोई काम बनेगा सर। 1 hour later। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटा रुकने के बाद में कॉल तो आ चुका है। भैया का दुकान से क्या लेके जाने कुछ पता नहीं, जस्ट फ़ोन किया है मैंने, बोला मैं बाहर में ही हूँ। तो वही बात है दोस्तों, देखते हैं क्या है और क्या है नहीं, और कहाँ लेके जाना है और कहाँ नहीं। चल तो वही बात है दोस्तों, जाके देखते हैं, जाते हैं दुकान के अंदर घुस के देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं बताते हैं, जाएंगे दोस्तों क्या सामान है क्या नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वही बात है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few inches later. ट्रिप तो कंफर्म है, जो मेरा पीछे एक प्लास्टिक का वाटर प्रूफ है दे रहा है, ये एक पीस है और एक सेट गॉर्डन नाम है, वही लेके जाना है निक्रिप हॉस्पिटल का कैंपस का अंदर, मतलब हॉस्पिटल का अंदर जहाँ पे के क्वार्टर्स वगैरह है हॉस्पिटल का, वहाँ पर लेके जाना। तो ढाल के मिलते हैं दोस्तों, ये है और एक सेट है केन का, तो थोड़ा पहले डाल लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। दोस्तों फाइनली सामान डाल के मैं निकल गया, बाद में जाके दिखाता हूँ दोस्तों। थोड़ा पीछे एक गाड़ी आ गया था जिसको सामान लूट करना था, इसी वजह से जल्दबाजी में फटाफट बांध के निकल गया। तो जाना है निग्रिम्स हॉस्पिटल का अंदर में, क्वार्टर में डिलीवरी होगा ये सामान, और हैवी भी साथ में जा रहा है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हैवी जाने से बात करके जा सकता हूँ, और अकेला अकेला तो क्या बोलूँ, अकेला तो मुझे जाना पसंद है ही नहीं, यही बात है। जा रहा है तो बहुत ही खुश हूँ। चलो दोस्तों चलते हैं टीवी पॉइंट, तो मैं पहुँच गया, वहाँ पे जाके दिखा दूँगा क्या सामान मैंने डाला है। एक सामान तो मैंने आपको दिखा दिया है और एक सेट है गॉर्जन सेट, तो जाके मैं दिखा देता हूँ कस्टमर को। तो सेट बहुत ही हैवी और बहुत ही सुंदर है दोस्तों, और यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, ये है ग्लास, सैनिटेबल का ग्लास। सो दोस्तों बात ये है, वहाँ से तो फुल स्पीड में आया था, लेकिन यहाँ में आके लग गया, ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रैफिक जाम लग गया दोस्तों और कुछ नहीं। और गर्मी को भी कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बारिश हुआ है, तो बारिश होने से थोड़ा ठंड ठंड मौसम का जो मज़ा है वो लेने को मिलता है, लेकिन जब बारिश चला जाता है और धूप आता है तब तो गर्मी का आर यू कॉमेडी मी क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि बदन का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है, और जब धूप आता है वो फिर से गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगता है। मजा करो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन गर्मी तो लग रहा है। सॉरी। ट्रैफिक जाम तो लगा हुआ है दोस्तों, ये ट्रैफिक जाम पूरा आगे तक होगा, क्योंकि स्कूल छुट्टी हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 3:52। सो अभी तक खाली तो नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन बात यह है थोड़ा आगे जाने के बाद में खाली हो जाएगा, जब मैं वो पॉइंट क्रॉस कर लूँगा तब शायद, मुझे लग रहा है, मुझे जितना लग रहा है कि खाली हो जा सकता है, मतलब इतना भी खाली नहीं, मतलब धीरे धीरे चलते रहेगा। अभी बात यह है आगे में जो फोर्ट पलोंग का पॉइंट है, फोर्ट पलोंग का पॉइंट में उधर से भी गाड़ी आता है, जो पोलो से गाड़ी आता है, और यहाँ से भी पास देना पड़ता है, और यहाँ से भी इसके थोड़ा ट्रैफिक जाम है, जो एक जगह में करीब
कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट भी रुकना पड़ जाता है दोस्तों, वो बात नहीं है। क्योंकि अभी तो चल रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है फिर रुक रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है फिर रुक रहा है, ऐसे ही करके जाना पड़ेगा। तो क्या करें, उपाय नहीं है, जल्दी चलते हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम का बाद में निकल गया फाइनली, मेरा मतलब ट्रैफिक जाम से निकल गया और कुछ नहीं, बस ट्रैफिक जाम से ही निकला हूँ, मतलब पॉइंट से निकला हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ा रुकेगा, चलते जाएगा फिर से, लेकिन वैसा नहीं है जहाँ वहाँ पे जैसा था पॉइंट में पहुँचने का पहले। तो यहाँ पे बात यह है, थोड़ा जाता है फिर रुकता है, थोड़ा जाता है फिर रुकता है, ऐसे ही जाते रहेगा। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा जितना टाइम में वहाँ पे लग गया मेरा, वही बात है दोस्तों। चलिए चलते हैं, ठीक है, जा रहे गाड़ी। सो दोस्तों बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम मिला रास्ते में, लेकिन अभी तो यहाँ से तो पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि आशीर्वाद जो है वहाँ से पूरा रास्ता खाली है, तो यहाँ से कोई भी ट्रैफिक जाम मिलने का चांसेस तो है ही नहीं। मजा का जा रहा हूँ, अभी थोड़ा ही सामने जाने का मजा कर रहा हूँ दोस्तों, गर्म हो गया देखिए दोस्तों, मजा कर रहा हूँ मैं मजा कर रहा है, मतलब जब ट्रैफिक जम लगता है दोस्तों मजा का सजा हो जाता है, और जब बात तो सही है जब गाड़ी चलता रहता है तो मजा ही मजा है, वही बात है। तो निगरिट हॉस्पिटल के सामने पहुंचने वाला हूँ दोस्तों, घुसते हैं अंदर, और काम है एक्चुअली क्वार्टर में लेके जाना है ना, क्वार्टर में लेके जाना है, तो टाइप बी ना टाइप सी वो तो कॉल करने के बाद ही पता चलेगा, पहले अंदर घुस जाता हूँ। तो अंदर तो घुस गया, लेकिन यहाँ पे एक मतलब एंट्री करके जाना पड़ता है, गेट है। सो क्या परपोज के लिए आप अंदर जा रहे हैं, क्या सामान वही है दोस्तों, वो सब का मतलब एंट्री करके घुसना पड़ता है। तो चला गया एंट्री करके, हो गया, तो अभी घुस रहे हैं अंदर में दोस्तों। ई में भाई, ई नहीं V6 की। पहुंच गए और यहाँ पे मैंने रख दिया गाड़ी, क्योंकि एयरबैग जा रहा है खोलने के लिए। सो खोल के ऊपर में चलाना है दोस्तों, ऊपर का जो वहाँ पे जो व्हाइट कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो है वही है, तो डाल लेते दोस्तों फटाफट, डाल के निकलते हैं। हम लोगों ने जो सीढ़ी देखने के लिए गया था, तो यही है दोस्तों साइड, देखिए मैं दिखाता हूँ अच्छे से। इससे पहले दो चेयर है वो निकाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सेट, बहुत ही सुंदर, और ये है उसका चेयर, वाओ। चलिए फटाफट डाल देते हैं। A few moments later. So दोस्तों पहले ही सामान उतरना हो गया कंप्लीट, और टाइम हो रहा है दोस्तों 5:10। तो देखते हैं जी एस पोस्ट में कितना टाइम लगता है। चलो चलेंगे दुकान, ऐश करेंगे अभी, ऐश। चलो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट अभी। तो दोस्तों पहुंच गया जीएस रोड, तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बिना बैठ के, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम है दोस्तों, इतना हॉर्न वगैरह का आवाज़ आता है, और बारिश तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो और कुछ मिलने का तो चांसेस कम ही है दोस्तों, मुझे जितना लग रहा है, और कुछ नहीं मिलेगा तभी बैठना तो पड़ेगा। अभी तो जा रहा हूँ मैं, यहाँ बैठने से अच्छा है मैं तो जाके ऑकलैंड में बैठूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी रोका ही नहीं है, डायरेक्ट जस्ट है बैब को गाड़ी से उतार दिया और जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है दोस्तों 6:25 यहाँ पे, अभी तक जाके जीएस रोड पहुँचा, मेरा मतलब ऑकलैंड पहुँचा भी नहीं हूँ, यहाँ पे 6:25 हो गया दोस्तों। क्या करें दोस्तों, क्या करें, ऑफिस टाइम
ऑफिस टाइम में ट्रैफिक जाम तो होता ही है, बोल के तो फायदा नहीं है, ट्रैफिक जाम तो होगा ही। यही बात है दोस्तों, जाता हूँ जाके ऑकलैंड में बैठता हूँ दोस्तों, अगर कुछ आता है तो वहीं पे रुकूंगा। अभी जी एस नहीं आने वाला, मैं जब तक कोई काम नहीं मिल जाता है तो काम तो वैसे भी मिलने का चांसेस तो है नहीं, इतना बारिश गिर रहे तो कौन आएगा सामान लेने के लिए। तो वही बात है दोस्तों, जाके करते हैं वेट दोस्तों, जाके ऑकलैंड में देखते हैं क्या होता है। One hour and a few minutes later. So, दोस्तों फाइनली चला आया घर में, बैठा हुआ था ऑकलैंड में दोस्तों, और वैसे भी अकेला क्योंकि दोस्त लोग आज मालूम नहीं कहाँ पे गायब हो गए थे, तो किसी का कोई आता पता नहीं था, तो अकेला कितना ही बैठा जाए दोस्तों, इसी वजह से थोड़ा जल्दी चला आया, वही बात है। तो करीब 7 बज गया था मुझे पहुँचते पहुँचते, और एक घंटा का थोड़ा ऊपर ही बैठा दोस्तों, तो बैठ के फिर चलाया दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर पसंद है दोस्तों तो प्लीज़, बोलने का ज़रूरत तो है नहीं, तभी बोल देता हूँ एक बार, मन को शांति मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।